दोस्तों, अगर आप भी भारतीय महिला टीम और न्यूजीलैंड महिला टीम के बीच आज रोमांचक मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार जो भारतीय महिला टीम और न्यूजीलैंड महिला टीम के बीच आज रोमांचक मुकाबला खेला गया, उसी मुकाबले की हाईलाइट के बारे में। तो आप सभी इस रोमांचक मुकाबले की हाईलाइट को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि भारतीय महिला टीम और न्यूजीलैंड महिला टीम में आप किस टीम को ज्यादा मजबूत टीम मानते हो, भारत या फिर न्यूजीलैंड में से किसी एक टीम का नाम नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज भारतीय महिला टीम और न्यूजीलैंड महिला टीम के बीच आईसीसी विश्व कप 2022 का रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां आज के इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान मिताली राज ने सेडन पार्क के क्रिकेट ग्राउंड में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले गेंदबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने आज न्यूजीलैंड महिला टीम को 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 260 रनों पर रोका। हालांकि यहां पर भारतीय टीम को लक्ष्य न्यूजीलैंड महिला टीम ने दिया 261 रनों का। तो वहीं हम आपको बता दें कि आज जब न्यूजीलैंड की टीम मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आई थी तो न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से सूजी बेट्स और उनकी कप्तान सोफी डिवाइन मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, जहां आज के इस मुकाबले में सूजी बेट्स 10 गेंदों में मात्र 5 रन ही बना सकी और उनको पूजा वस्त्रकार ने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर रन आउट किया। तो वहीं सोफी डिवाइन ने आज 30 गेंदों में 35 रन की पारी खेली। हालांकि न्यूजीलैंड की ओपनिंग साझेदारी आज अच्छी नहीं रही, जैसा कि आप सब यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। तो वहीं दोस्तों, फिर इन दोनों ही बल्लेबाजों के आउट होने के बाद मैदान पर उतरी एमिलिया केर और एमी सेदरवेट, जहां पर आज के इस मुकाबले में एमिलिया केर ने 64 गेंदों में 50 रन बनाए और अपनी इस पारी में उन्होंने 5 चौके भी लगाए। तो वहीं एमी सेदरवेट ने आज 84 गेंदों में 75 रनों की पारी खेली और इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर यहां से बढ़ना शुरू हुआ, जहां इन दोनों की शतकीय साझेदारी की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम 200 रन पार कर पाने में कामयाब हो सकी। और इस दौरान फिर एमी सेदरवेट के आउट होने के बाद मैदान पर उतरी मैडी ग्रीन्स, जहां मैडी ग्रीन्स ने 36 गेंदों में 27 रनों की पारी खेली। तो वहीं कैटी मार्टिन ने 51 गेंदों में 41 रन बनाकर जुलन गोस्वामी की गेंद पर बोल्ड आउट हुई। तो वहीं हिले जेनसन ने आज 7 गेंदों में 1 रन बनाए। ली ताहू ने 4 गेंदों में 1 रन की पारी खेली। फिर जैसकेर पहली गेंद पर 0 रन पर बोल्ड आउट हुई, जहां उनका विकेट पूजा वस्त्रकार ने 47 ओवर की तीसरी गेंद पर लिया। तो वहीं फ्रेंचाइज मैकी ने 13 रन बनाए और इसी के साथ न्यूजीलैंड महिला टीम की पारी यहां समाप्त हुई, जैसा कि आप सभी यहां पर देख भी सकते हो। और यहां से न्यूजीलैंड की टीम 260 रन बना पाने में कामयाब हो सकी। तो वहीं दोस्तों, फिर इसी के जवाब में जब भारतीय महिला टीम आज मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरी तो भारत की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आ जाई यस्तिका भाटिया और स्मृति मंदाना, जहां आज इन दोनों ही बल्लेबाजों का बोलबाला मैदान पर हम सभी को देखने के लिए नहीं मिला। जी हां दोस्तों, यहां भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका स्मृति मंदाना के रूप में लगा, जहां स्मृति मंदाना छठे ओवर की चौथी गेंद पर 21 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हुई और इसी के साथ भारतीय टीम यहां से मुसीबत में पड़ती हुई दिखाई दी, क्योंकि जब तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आई दीप्ति शर्मा वो मात्र 5 रन ही बना सकी। मिताली राज ने आज के इस मुकाबले में 56 गेंदों में 31 रनों की पारी खेली। हालांकि उनको एमिलिया केर ने कैटी मार्टिन के हाथों कैच आउट करवाया और इसी बीच यस्तिका भाटिया भी अच्छा प्रदर्शन आज नहीं कर पाई और उन्होंने 59 गेंदों में 28 रन बनाए और भारत की टीम काफी ज्यादा मुश्किलों में पड़ती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर यहां पर पारी को संभाला हरमनप्रीत कौर और इसने राणा ने मिलकर। जी हां, आज के इस मुकाबले में इसने राणा ने 28 गेंदों में 18 रन बनाए। हालांकि उनको ली ताहू ने कैटे मार्टिन के हाथों कैच आउट करवाया। तो वहीं ऋचा घोष पहली गेंद पर बोल्ड आउट हुई और वहीं ऋचा घोष के आउट होने के बाद फिर मैदान पर उतरी पूजा वस्त्रकार, जहां पूजा वस्त्रकार मात्र 16 गेंदों में 6 रन ही बना सकी। हालांकि इसी बीच जब भारत की पारी थोड़ी डगमगा सी गई थी तो उस दौरान हरमनप्रीत कौर ने अपना अर्धशतक पूरा किया, जहां हरमनप्रीत कौर ने आज के इस मुकाबले में 63 गेंदों में 71 रनों की पारी खेली और अपनी इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 2 बड़े छक्के लगाए। तो वहीं हरमनप्रीत कौर को एमिलिया केर ने सोफी डिवाइन के हाथों कैच आउट करवाया 44वें ओवर की छठी गेंद पर और भारत को यह 8वां बड़ा झटका लगा था। लेकिन फिर मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरी मेघना सिंह, जहां झूलन गोस्वामी और मेघना सिंह के बीच अच्छी साझेदारी हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों ही भारत को अंतिम ओवरों में जरूर मैच जितवा देंगे। लेकिन इसी बीच झूलन गोस्वामी का विकेट गिर जाता है, जहां हिली जेनसन उनको 13 गेंदों में 15 रन बनाकर ही पवेलियन भेज देती हैं और इसी के साथ भारत का ये 9वां विकेट होता है। हालांकि दोस्तों, भारतीय टीम की बल्लेबाजों ने आज कोशिश तो पूरी की इस मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिलाने की, लेकिन यहां भारतीय टीम की बल्लेबाजी थोड़ी फीकी रह गई, जिसके चलते यहां न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने इस मुकाबले में बाजी मार ली। दरअसल आज के मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम ने 62 रनों से अपने नाम कर लिया और न्यूजीलैंड की टीम की जीत के साथ ही अब पॉइंट्स टेबल में भी भारतीय टीम का एक स्थान घट चुका है और ऐसे में भारतीय टीम आज
आज के इस मुकाबले में 10 विकेट के नुकसान पर बस मात्र 198 रन ही बना सकी, वो भी 46.4 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए। तो अब भारत से उम्मीद होगी कि अगला मुकाबला वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो होगा उसमें दमदार प्रदर्शन कर उस मैच को जरूर जीते। लेकिन अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका क्या कहना है भारतीय टीम के आज के मुकाबले के प्रदर्शन के बारे में, और आप भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहोगे। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आईसीसी महिला विश्व कप 2022 के रोमांचक मुकाबले फिलहाल खेले जा रहे हैं, जहां इस दौरान भारतीय महिला टीम जहां एक एक कर सभी मुकाबलों में जीत हासिल कर रही है। तो वहीं अब भारतीय महिला टीम और इंग्लैंड महिला टीम के बीच में ऐसा ही रोमांचक मुकाबला आज खेला गया, जहां इस मुकाबले में इंग्लैंड महिला टीम की कप्तान हीदर नाइट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया भारतीय महिला टीम को, जहां पर आज के इस मुकाबले में भारतीय महिला टीम की गेंदबाजों का बोलबाला देखने के लिए नहीं मिला। दरअसल दोस्तों आज इंग्लैंड महिला टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र अपने 2 विकेट गंवाकर ही 309 रन की पारी खेल डाली। विनफील्ड हिल और साथ में तमसिन ब्यूमोंट उतरी थी, तो इन दोनों ही खिलाड़ियों ने आज इंग्लैंड की टीम की तरफ से 150 रनों की साझेदारी करी। जैसा कि आप सभी यहां पर स्कोर कार्ड में देख सकते हो कि इंग्लैंड की टीम की तरफ से आज लॉरेन विनफील्ड 91 गेंदों में 85 रन बनाकर आउट हुई और अपनी इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 3 बड़े छक्के लगाए। तो वहीं तमसिन ब्यूमोंट ने 132 गेंदों में 104 रनों की पारी खेली। हालांकि इन दोनों ही खिलाड़ियों की बल्लेबाजी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि आज भारतीय महिला टीम को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी इनको आउट करने के लिए। तो ये हम आपको बता दें कि इनका विकेट जुलन गोस्वामी और राजेश्वरी गायकवाड़ ने लिया। तो कप्तान हीदर नाइट ने आज 31 गेंदों में 56 रन बनाए, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होगी। और वहीं दूसरी तरफ नेट स्काइवर ने 46 गेंदों में 62 रनों की पारी खेली और इसी के साथ इंग्लैंड महिला टीम 309 रन का आंकड़ा पार कर इस मुकाबले में भारतीय महिला टीम को 310 रनों का लक्ष्य दे पाई। तो ही दोस्तों फिर जब बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय महिला टीम उतरी, तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, दीप्ति शर्मा बल्लेबाजी के लिए आई तो आज दीप्ति शर्मा मात्र 6 गेंदों में 2 रन ही बना सकी और इसी के साथ बल्लेबाजी किस तरह से रही कि आज के इस मुकाबले में उन्होंने शानदार जीत हासिल करी। हालांकि हम आपको बता दें कि ये आईसीसी विश्व कप का वार्म अप मुकाबला था, तो ऐसे में दोस्तों यहां पर अब आपकी क्या राय है आज के इस मुकाबले में भारतीय महिला टीम के प्रदर्शन को देखने के बाद, और आप भारतीय महिला टीम को 10 में से कितने अंक देना चाहोगे। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।